दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने ही चैनल फैंटेसी क्रिक फैन में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अफगान ऑलरेडी कप का मैच होगा पी ए एल वर्सेज़ एच एस के बीच में आज के इस वीडियो में आप सभी भाइयों को एक एक प्लेयर के बारे में फुल स्टार्ट इन्फो देंगे और मैच प्रोडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये मैच आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा और इस सीरीज का हमने जितने भी मुकाबले कवर किए ऑलमोस्ट आप सभी ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाले और कल के जी कल का भी जो मैच था ना आपका ओरेडी का वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मिनी जेल और स्मॉलिक तो क्लीन स्विप किया है तो आज के मैच में आपको हर एक प्रोडिक्शन हर एक एनालिसिस देंगे जो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि हम इस मैच को विन करना तो इस वीडियो को आप सब बिना स्किप के एंड तक देखिएगा जरूर दोस्तों साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से प्लेयर रहेंगे जो आज के इस मैचेस में आपको बैटिंग से स्कोर करके देंगे कौन से वे ले लेंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों से ही आज के मैचेस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली जो भी हमारी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिलेंगे वैसे भी आप सभी का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा बाकी हम चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं और दोस्तों सबसे पहले तो आप सब देख रहे देखो फैंडीसी ग्रिक फैन के टेलीग्राम टेली को का जहाँ पे आपको ऑलरेडी डेली एक फ्री टीम और एक विनिंग टीम अपडेट की जा रही है जहाँ पे लगातार हर एक यूजर्स क्लीन स्विप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पर जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं जुड़ रहे हो तो शायद बहुत कुछ मिस करो क्योंकि इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट्स हर एक इन्फॉर्मेशन और मेरे एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे जहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री के आवर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हैं और यहाँ पर आप सभी को जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं रहेगा जो आप मेरी वीडियो है अगर तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो नीचे मैंने ऐसे आपको लिंक दे दिया हूं और जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे ना डायरेक्टली जुड़ जाओगे लिंक के थ्रू ज्वाइन करना ताकि आप सब हमारे रियल चैनल पर जुड़ पाओ जुड़ पाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया दें क्लिक करते ही डायरेक्टली जुड़ना ताकि आप सब हमारे रियल चैन पर जुड़ो क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फिक्स सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी हैं जहाँ पर लोग पैटिंग बेच रहे हैं तो अगर आपको हमारे रियल चैनल पर जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली जरूर से जुड़िएगा हालाँकि चलते हैं मैच प्रोडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो भाई यहाँ पर देखो सबसे पहले जानेंगे मैच इन्फो के बारे में मैच होगा अफगान वनडे कप का ये मैच हो रहा है जो कि आपको लगभग ये छवा मुकाबला देखने को मिलेंगे दस बजे करीब में स्टार्ट हो रहा है वेन्यूज इनका सेम वही ग्राउंड है जहां पर रेशियंट इनकी बाकी गई इससे पहले के मुकाबले इसी ग्राउंड पर ही खेले गए थे एवरेज स्कोर की बात करें तो एक सौ साठ से को एक सौ नब्बे के बीच में स्कोर बनते नजर आएगा हेड टू हेड मैचेस दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक एक ही मुकाबला खेला गया है जहाँ पर एच की टीम यानी कि स्ट्राइकर्स की टीम इजिली यहाँ पर विन कर पाई थी अगर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर रिसेंट मैचेस के बारे में तो यहाँ पर जो आ, जो पी ए एल की टीम है ना रिसेंट अपने तीन मैचेस में एक मुकाबले वन अपने दो मैचेस लॉस करके आ रही बाकी स्ट्राइकर्स की टीम तो रिसेंट तीन मुकाबले खेले तीनों ही मैचेस इन्होंने इजिली विन किया अपने वेन्यू स्कोरिंग पेटन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम सत्रह बार विन किए बॉल फर्स्ट करने वाली टीम तेईस बार विन करके आ रही तो जो भी यहाँ पर टीम पहले बॉलिंग करेंगी वो थोड़ी बहुत उनकी टीम की ओर से हमें बॉलर्स को रखना इंपॉर्टेंट रहेगा हालांकि इसके अपडेट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे और ज्वाइन करना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इस मैच से रिलेटेड हर एक अपडेट्स हर एक इंफॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा या फिर एड फैंडस की एक सर्च करके भी आप सब जुड़ सकते हो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ो तो लिंक पर क्लिक कर, करोगे तो डायरेक्टली जुड़ जाओगे तो ऑलमोस्ट जरूर से ज्वाइन कीजिएगा सबसे पहले जानेंगे स्ट्राइकर्स के प्रोवो लाइनअप और इनके प्ले स्टार्टिस के बारे में इनकी टीम की और सिमराम सदरान जो की ओपनिंग बैटिंग की रिसेंट तीन मुकाबले इन्होंने खेला जो कि राइट हंडर बैट्समैन रहेंगे लिस्ट का रिकॉर्ड है बीस मैच पाँच सौ उनचास रन चौतीस कवर जी रिसेंट इन्होंने तीन मुकाबले खेले पहला मैचेस अड़तीस चालीस और एक सौ सात का स्कोर है बैटिंग से जो कंस्टेंसी परफॉर्मेंस है वो वह एक आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सभी को मिनी जीएल और ग्रैंडिंग में करना और जो लोग भी एज अ स्मॉल लीग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग अपने टीम में एज अ प्लेयर इनको ट्राई करके जा सकते हो तो जो कि आज के मैच के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिले उसके बाद दोस्तों अगर, अगर हम उस्मान की बात करें तो इन्होंने रिसेंट अपने तीन मुकाबले खेले पहला मैचेस एक अट्ठाईस और बारह का स्कोर है उड़ियाई के सत्रह मैचेस चारो पैंतीस रन पच्चीस एवरेज है ग्रैंड लीग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आप सभी इन्हें जीएल में ट्राई करके जा सकते हो अगर आपने इनकी रिसेंट तीन मैचेस के अगर आप एवरेज स्कोर भी देखो तो कुछ खास आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे नहीं तो अभी आप इन्हें ड्रॉप करके जाओ ज़्यादातर बेहतर होगा स्मॉलिंग मेरे कवर कर पाओ तो ही ट्राई कीजिएगा उसके बाद उसल तो की बात करें तो कुछ खास इनकी बेहतरीन स्टार्ट या टी ट्वेंटी जैसे गैसोडिया जैसे करियर स्टार्ट कुछ खास बेहतरीन देखने को मिलेंगे नहीं तो अभी हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं बाकी अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग बैटिंग करती है तो आप यहाँ से अशरफ और इन दोनों में से किसी एक को अपनी स्मॉलिंग में लेकर जा सकते हो आशिफ की बात करो तो पहले मैचेस इन्होंने छब्बीस पर वन विक्ट जहाँ पे दो ओवर के बॉलिंग कराए लास्ट मैचेस इन्होंने तीन का स्कोर है बैटिंग से जो खोस आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं फिर भी एक एवरेज आपको एवरेज स्कोर करके देंगे आप सभी के लिए और मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे चाहो तो आप सब अपने स्मॉलिंग में लेकर जा सकते हो हालांकि मैं इनके अपडेट्स को टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर देंगे करीम जन जनात की बात करें तो राइट हंडर बैट्स में राइट एंड मीडियम बॉलर है लिस्ट है इन्होंने अट्ठाईस मैचेस पाँच रन अट्ठाइस के या तिरालीस विकेट के नाम है रिसेंट इन्होंने दो मुकाबले खेले पहले ही मैचे उनतालीस जीरो विकट है जहाँ पे दो ओवर के बॉलिंग उसके बाद इन्होंने जीरो विकेट है जहाँ पे तीन ओवर के बॉलिंग करा एज अ ग्रैंड लीग के ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे तो आप सब जीएल वगैरह में कैप्टन अवैश वतन करना बाकी जो लोग भी जैसे स्मॉल लीग इन्वेस्ट करें वो लोग चाहो तो आप इन्हें ड्रॉप करके भी जा सकते हो अब रहमान अकबर का जो फॉर्म है एज अ लिस्ट एक करियर स्टार्ट सता मैचेस पचास विक्टे रिसेंट तीन मुकाबले खेले तीनों ही मैचेस इन्होंने पहले ही मुकाबले तीन विकटे फाइव विकटे उसके बाद इन्होंने तीन विकटें निकाला आठ से दस ओवर बॉलिंग करके देंगे और इस मैचेस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉप्स और आप सभी लोग इस मालिक से लेके ग्रैंड लिख तो कैप्टन और वाइस कैप्टन करके जा सकते हो जो कि आज के मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप्स रहेंगे उसके बाद मलिक का जोपो में रिसेंट मैचेस जीरो विकटे इससे पहले तीन और एक था और आप सभी को अगर इनकी टीम पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करेंगे तो आप सब लेकर चलना जो कि लेफ्ट में फास्ट बॉलर है अगर विकेट्स आज के मैचेस में अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो विकेट्स निकाल कर देंगे फिर भी जहाँ तक मुझे मैदा जहरिर खान इस मैचेस के लेकिन इंपॉर्टें टॉप्स जो कि रिसेंट मैच्स तीन विक्टे वन विकटे दो विक्ट है जब विकेट टिकर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दिस में बॉलिंग डालते हैं और इस मैचेस के लिए इंपॉर्टें टॉप्स भी रहेंगे बाकी यूसुफ और जहीद में से किसी एक को जमशेद में से किसी को आप सब अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर दी तो ट्राई करके चलेगा मैं इनके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे और बेंच वगैरह से कोई भी अदरवाइज खेलेगा तो मैं इसके अपडेट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा जरूर से ज्वाइन कीजिएगा बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर स्ट्राइकर्स के गई सॉरी जो पीएल की टीम है ना इनके प्रोबेबल आने पर उनके प्लेयर स्टार्टज़ के बारे में ज्यादा जिस मैचेस में शायद खेलेंगे फॉर्म देखें तो पहले मैच सोलह उसके बाद पांच का स्कोर है रिसेंट मैचेस खेले नहीं थे पर आज के जो मैच होगा ना यहाँ पर इनको खेलने का चांसेस रहेंगे और फॉर्म देखें तो कुछ खास आपको रिसेंट मैचेस में देखने को मिलेंगे नहीं फिर भी अजली स्टे करियर स्टार्ट इनका काफ़ी बेहतरीन है तो अगर इनकी टीम पहले टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो इस मैचे का लेकिन इंपोर्ट ऑफिस रहेंगे मैं इनके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे जरूर जरात की बात करें तो रिसेंट टीम मुकाबले खेले उन्तीस पैंतीस और एक सौ छब्बीस का स्कोर है बैटिंग से जो कंस सी परफॉर्मेंस है वो एक बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे तो इस मैचेस में आप सभी को एज अ प्लेयर एंड मीनिजुअल कैप्टन और वाइस कप्तन करके चलना नूरी एज अ ग्रैंडली के इंपोर्टेंट रहेंगे रिसेंट मैचेस बारह का स्कोर और डीआई का थोड़ी बहुत इनके पास करियर स्टार्स ठीक ठाक है तो ऑलमोस्ट आप सभी को अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेंगे तो इनकी ड्रॉप और ड्रॉप करने के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस इसकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे बाकी रहमत शाह जो कि टीम की के मेन बैट्समैन रहेंगे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है रिसेंट टीमों ने भी तीन मुकाबले खेले इक्कीस जीरो और अन्ठावन का स्कोर है कंस्टेंसी बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे और आप सभी को अपने स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर एंड मीजियल कैप्टन करना चाहिए उसके बाद आपके पास रवाली नजर आएंगे जो कि ये पार्ट टाइम बॉलर भी है रिसेंट तीन मुकाबले खेले बावन और जीरो और पैंतीस पर वन विकटे जहाँ पर चार ओवर के लास्ट मैचेस बॉलिंग कराकर वन विकटें निकाले तो आप सब देखो आपके पास शदुल्ला और कमल मतलब इन दोनों में से आप सब चाहो तो किसी को अपने स्मॉलिंग में लेकर जा सकते हो जहाँ तक मुझे उम्मीद में कमल इस मैचेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि बॉलिंग विद बैटिंग करके देंगे रिसेंट तीन मैचेस में इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिया था यूसुप ने अपने रिसेंट एक मैचेस के लिए तीन का स्कोर किया था बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे तो जी वगैरह में रखो अब्दुल का अभी जो फॉर्म है रिसेंट मैचेस सात का स्कोर करके वन विकटे जहाँ पे नौ ओवर के बॉलिंग कराएँ तो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेंगे तो इनको रखिएगा उसके और शायद जो का जो फॉर्म है ना शायद का इन्होंने रिसेंट अपने तीन मुकाबले पहले मैचेस वन विक वन विक थे उसके बाद इन्होंने चार विकटे भी निकाला जैसा कन्फर्म आपको दस ओवर बॉलिंग तो डालेंगी एज अ विकेट टेकर्स भी इंपोर्टेंट रहेंगे तो आप सब अपने स्मॉलिंग में इनको लेकर जरूर से चलेगा बाकी मोहम्मद सलीम और अब्दुल में से किसी एक को आप सब अपने स्मॉलिंग में पिक करके जा सकते हो आदिल का तो कुछ खास बढ़िया स्टार्ट है नहीं ना तो लिस्ट एक का ना तो करियर टी ट्वेंटी स्टार्ट है ऑलमोस्ट आप सब जेल में रखना बाकी अगर बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो मैं कि इसकी अपडेट सबको टेलीग्राम चैनल पर देंगे बाकी चलते अपने ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत ध्यान से सुनना सबसे पहले एच के प्रोबल आने और उनके प्लेयर स्टार्टस के बारे में जानेंगे इनकी टीम की ओर से जजाई जो एज मेन बैट्समैन है आप सभी को अपने स्मॉलिंग में रखना चाहिए चदरान और यहाँ से यू गाने को आप सब चाहो तो अपने स्मॉलिंग में लेकर जा सकते हैं जो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको देंगे इनकी ऑलराउंडर सेक्शन से किसी का भी कुछ ही बैठने स्टार्ट ने थोड़ी बहुत मॉलिंग बॉलर को अपने अब इस मॉलिंग में पिक करके जा रहे थोड़ी बहुत इनकी जो बॉलिंग सेक्शन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिली बाकी शाह और यहाँ से जनात को अपने स्मॉल बॉलिंग में पिक करेंगे गुलाब बिन अभी इस मैचे में खेले नहीं थे सनवारी एज अ बॉलिंग बैटिंग करके देंगे तो इनके पास थोड़ी बहुत ऑलराउंडर सेक्शन है वो आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे तो फिलहाल अभी हम इसी टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैप्टन है अवैश कप्तान की अगर हम बात करें तो बारी एज अ कैप्टन है अवैश कप्तन का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सिस शिव आपके पास जहर खान नजर आएंगे जो कि अवैश कप्तान के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे जो कि लगातार हर एक मैचेस काफी से विकेट्स निकाल रहे तो अभी हम फिलहाल इसी टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे बाकी अगर हमारी टीम कॉम्बिनेशन में कुछ भी अपडेट्स एंड चेंजेस होते हैं तो उसकी फाइनल टीम जो होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े ना देखो साथ बहुत कुछ मिस कर रहे क्योंकि जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा बाकी दोस्तों मिलते गए वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रोडक्शन के साथ